हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी की ऐसी आसान और नई टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत कमेंट भी ज़रूर किया करें, ताकि मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको थैंक यू बोल सकूँ। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा कि आप मुझे दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हो। तो चलिए फिर इस नई टेस्टी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। पहले पानी में लहसुन प्याज और टमाटर डालेंगे। चने की दाल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, पोटली बनाकर डालेंगे। आप पत्ता गोभी और टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ सूखी लाल मिर्चें, सभी चीजों को सॉफ्ट होने तक बॉईल करेंगे। आप पत्ता गोभी और चने की दाल को छोड़कर बाकी सभी चीजों को पीस लेंगे। टमाटर का छिलका हटा देंगे और कुछ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। आप पत्ता गोभी के 6-7 पत्ते हमें लेने हैं। अंदर वाले पत्तों को बारीक ग्राइंड कर लेंगे चने की दाल के साथ। आप चने की दाल और पत्तों के पेस्ट में डालेंगे चिली फ्लेक्स, नमक और गरम मसाला। अब इस पेस्ट को पत्तों के ऊपर फैलाएंगे और रोल बनाकर रख लेंगे। अब कढ़ाई में ऑयल डालकर डालेंगे जीरा और बारीक कटा अदरक। अब लहसुन प्याज टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी। अब इस तरह से छलनी रखने के बाद रोल्स रखेंगे, नीचे मसाला भुन जाएगा और मसाले की स्टीम से रोल भी पक जाएंगे। बस मसाला भुन जाने के बाद रोल्स को कटिंग करके डाल दें। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।